हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इस वीडियो में मैं एक स्क्वाड को अकेले वाइप कर देता हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, मैं और मेरे टीममेट्स कार्गो डॉक्स पर उतरते हैं और यहाँ पे हम अपना सामान लूट के बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस, मैं सामान लूटने के बाद यहाँ पे घूम रहा होता हूँ तो अचानक से मेरे सामने एक बंदा कूद जाता है। तो ये मेरे सामने भागने लगता है और मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ। तो गाइस, इस जगह पे मैं पहली बार आया होता हूँ और यहाँ पे मैं पूरे शिप को यहाँ एक्सप्लोर करता हूँ। तो इतनी देर में मुझे यहाँ पे बंदे के फुटस्टेप शो होते हैं, तो देखना मैं इस बंदे को यहाँ कैसे मारता हूँ। तो ये बंदा यहाँ पे अचानक से रुक जाता है और इस बंदे पे मैं यहाँ रश करके इसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं अब फायरिंग वाली जगह जाता हूँ और यहाँ पे बंदे की तरफ रश कर देता हूँ। तो ये बंदा मेरे को सामने की तरफ भागता हुआ दिखता है और मैं इस बंदे पे यहाँ से रश कर देता हूँ। सो गाइस, आप भी इस लोड आउट को यूज कर सकते हैं। एक स्लॉट में आप शॉर्ट रेंज के लिए MX9 फैनक या फिर शॉटगन रख सकते हैं और दूसरे स्लॉट में आप AR या फिर स्नाइपर रख सकते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। सो गाइस, चलते हैं और बंदों की तरफ रश करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ डब्बों के बीच में घूम रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ बंदे के फुटस्टेप शो होते हैं। तो ये बंदा यहाँ अंदर भागता हुआ चला जाता है, तो इस बंदे पे मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ और इसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मैं यहाँ खिड़की से बाहर कूद जाता हूँ, लेकिन मुझे इतनी देर में यहाँ कोई फायरिंग से डैमेज देता है। तो मेरे को वहाँ सामने की तरफ एक बंदा दिखता है और इस बंदे पे मैं यहाँ रश कर देता हूँ और इसे भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। सो गाइस, ये सारे असली बंदे नहीं होते, इनमें से कुछ बंदे भी बॉट्स होते हैं, क्योंकि ये बंदे बिल्कुल भी मेरे को मारने की कोशिश नहीं करते। ये बंदे पता नहीं क्यों बनाए होते इस गेम के अंदर, लेकिन इन बंदों का रोल बस एक ही होता है। मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो। सो गाइस, मुझे यहाँ पे बाइक मिलती है और यहाँ मैं डिसाइड करता हूँ कि बंदों पे जाके यहाँ रश करूंगा, लेकिन इतनी देर में मुझे यहाँ पे बंदे के फुटस्टेप शो हो जाते हैं और इस बंदे पे मैं यहाँ रश कर देता हूँ और इसे भी यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो गाइस, अब बाइक को लेके यहाँ कार्गो डॉक से बाहर निकलते हैं और बंदों की तरफ रश करने के लिए हम यहाँ पे निकल जाते हैं। सो गाइस, मेरी बाइक यहाँ पीछे की साइड पानी में गिर जाती है और मुझे यहाँ सामने की तरफ एक ड्रॉप दिखता है, तो मैं उस ड्रॉप की तरफ जाता हूँ और मेरा टीममेट हेलीकॉप्टर से उतर के उस ड्रॉप को यहाँ लूटता है, तो मैं उसे यहाँ पे कवर देता हूँ। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है ड्रॉप को लूटने के लिए, तो यहाँ पे ये बंदे गाड़ी से उतर के हम पे रश करते हैं। तो मैं इन बंदों पे यहाँ दूर से फायरिंग करता हूँ और इस बंदे को यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ। तो इसका दूसरा बंदा भी गाड़ी से उतरता है और मेरे पे रश करता है, लेकिन मैं यहाँ दोनों बंदों को नॉकआउट करके मार देता हूँ। सही खेल गए वैंच। लेकिन ये इस फाइट में मेरे टीममेट को यहाँ पे मार देते हैं और मैं अपने टीममेट को डॉक्टर को उठा के यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ। अब मैं इन बंदों को यहाँ सामान लूट के और बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल लाता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस, काफी देर तक मैं यहाँ पे बंदे ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे इस मैच में बंदे नहीं मिलते और मेरे टीममेट्स यहाँ पे सारे बंदों को खत्म कर देते हैं। तो अब इस मैच में बस एक ही टीम बची होती है और हम भी एक पूरी टीम बचे होते हैं और हमें लास्ट वाली टीम इस घर के ऊपर चढ़ी हुई मिल जाती है। तो यहाँ से मैं और मेरा टीम में डिसाइड करते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से उतर के इन बंदों पे यहाँ रश कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे उतर रहा होता हूँ तो बंदा मुझे हवा में थोड़ा सा डैमेज देता है, तो मैं यहाँ नीचे उतर के पहले अपने आर्मर को फुल करता हूँ। लेकिन इतनी देर में यहाँ एनिमी टीम का बंदा मेरे टीममेट को यहाँ नॉकआउट कर देता है, तो मैं यहाँ बाहर जाके अपने टीममेट को बचाता हूँ और इस बंदे को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो इस बंदे को यहाँ पे ख़त्म करने के बाद मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ। मज़ा आया, लेकिन मुझे भी यहाँ पे अपने बंदों को रिवाइव देते हुए डर लग रहा होता है,
क्योंकि यहाँ पे एनिमी के बंदे हम दोनों पे कभी भी रश कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बंदों को यहाँ पे आराम से रिवाइव कर देता हूँ। तो अब मैं इन बंदों की यहाँ पे लोकेशन देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पे दोनों बंदे छत की ओर है। तो अब मैं यहाँ पे साइड वाले डब्बे पे चढ़ता हूँ और इस वाले बंदों को यहाँ डैमेज देता हूँ। तो इसका बंदा मेरे पे आगे साइड से फायरिंग करता है और नीचे की तरफ कूद जाता है। तो अब मैं यहाँ पे सीधा बंदों की तरफ रश करने का डिसाइड करता हूँ। तो गेम बचाना पड़े तो मुझे ऊपर की साइड कोई बंदा नहीं दिखता और पीछे से एनिमी का बंदा मेरे पे यहाँ रश कर देता है। तो हम दोनों यहाँ पे फाइट लेते हैं और इस बंदे को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। कैसी लगी आगे स्वाद? तो गाइस हम इनके तीन बंदों को तो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और बस अब एक ही बंदा बचा होता है और इसको भी हम यहाँ पे जल्दी से ढूंढते हैं और फिर मैच को जल्दी से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मुझे इस साइड से यहाँ फायरिंग की आवाज़ आती है और ये बंदा मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। तो इसी का फ़ायदा उठा के मैं इस लास्ट वाले बंदों को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और ये मैच हम यहाँ पे जीत जाते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस आपको ये गेम प्ले कैसे लगा? अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।